Hi, today we are going to learn ATCP, that is ad hoc TCP protocol. ये एक protocol की तरह नहीं बल्कि एक layer की तरह work करता है ad hoc network में और it exists between IP and TCP layers. एक thin layer होती है जो TCP और IP के बीच में exist करती है. So ATCP is separated from classical TCP protocol. और ATCP can be realized and installed separately from TCP. इट्स मीन जब आपका कोई एडहॉक नेटवर्क होता है और उसमें कोई सेंडर है और कोई रिसीवर है, डेस्टिनेशन है, और टीसीपी के थ्रू मान लो आपका कोई एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ. ठीक है, मान लीजिए ये कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ तो एटीसीपी इस समय रोल में नहीं आएगा. जब वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, ट्रांसमिशन होता है, दैट इज नॉर्मल स्टेट. सो When a TCP connection is established, a TCP enters the normal state. And in this state, a TCP does not interface with classic TCP and remain invisible. मतलब जब ये connection establish हो गया और इस समय ये क्या है, ATCP किस में, normal state में है. देखिए ये four states हैं जिसमें ATCP work करता है और इस समय ATCP का role नहीं है जब connection establish होता है. तो नॉर्मल स्टेट से डिफरेंट स्टेट में या डिफरेंट मोड में कैसे आपका एटीसीपी वर्क करता है वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म हमने लिखे हैं, जैसे ECN अगर हम यूज़ करते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, DUR डेस्टिनेशन अनरीचेबल, TX जो है पैकेट ट्रांसमिशन के लिए, और DUPAC के जैसे डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट को शो करेगा, और RTO रीट्रांसमिशन टाइम आउट को रिप्रेजेंट करेगा. तो हम देखते हैं जैसे कि ये नॉर्मल स्टेट है और अगर इसने रिसीव किया ECN तो ये मूव कर जाएगा किसमें, कंजेस्टेड मोड में. ECN यहां मैंने मेंशन कर रखा है. और अगर वो कंजेस्टेड मोड में है और TCP जो है वो एक पैकेट ट्रांसमिट करता है, TCP ट्रांसमिट पैकेट, तो ये मूव कर जाएगा नॉर्मल स्टेट में. ऐसे ही जब नॉर्मल स्टेट में है और RTO अबाउट टू एक्सपायर और 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड, तो ये मूव कर जाएगा लॉस स्टेट में. ये क्या है, RTO अबाउट टू एक्सपायर और रिसीव 3 डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट. और अगर वो लॉस स्टेट में है और इसने जो है न्यू एक्नॉलेजमेंट रिसीव किया, तो मूव कर जाएगा किसमें, नॉर्मल स्टेट में. ठीक है, और लॉस स्टेट में है और अगर इसने रिसीव किया ECN तो पहुंच जाएगा किसमें, कंजेस्टेड स्टेट में. इसका मतलब जब भी ECN रिसीव कर रहा है नॉर्मल में चाहे लॉस में, वो किसमें मूव कर रहा है, कंजेस्टेड स्टेट में. और इन केस वो नॉर्मल स्टेट है और डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो, डेस्टिनेशन क्या हो, अनरीचेबल हो, यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, डेस्टिनेशन अनरीचेबल. ठीक है, यहां मैंने डेस्टिनेशन अनरीचेबल के लिए DUR यूज कर रखा है. अगर डेस्टिनेशन अनरीचेबल हो और ISMPMP के थ्रू जो कंजेशन विंडो है वो क्या हो, 1 हो, तो वो किस में मूव कर जाएगा, आपका डिसकनेक्टेड स्टेट में. इसको मैं किसी और कलर से शो कर देता हूँ. और अगर वो डिसकनेक्टेड स्टेट में है और रिसीव करता है अ डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट, और पैकेट फ्रॉम रिसीवर, तो किस में मूव कर जाएगा, नॉर्मल स्टेट में. ठीक है, और अगर वो लॉस स्टेट में है और उसने जो है डेस्टिनेशन अनरीचेबल ये मैसेज फिर से रिसीव करता है, तो पहुंच जाएगा किस में, डिसकनेक्टेड स्टेट में. तो अगर ये मैसेज इसको रिसीव होता है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है,
लॉस को, तो ये पहुंच जाएगा डिस्कनेक्टेड स्टेट में। और अगर कंजेस्टेड स्टेट में है और ये मैसेज रिसीव होता है डेस्टिनेशन अनरीचेबल, तो ये किस में मूव कर जाएगा? डिस्कनेक्टेड स्टेट में। इट्स मीन जब भी DUR आपको मैसेज रिसीव होता है तो किसी भी स्टेट में हो, वो पहुंच जाएगा किस में? डिस्कनेक्टेड स्टेट में। इस तरीके से आपका ATCP वर्क करता है। एक्चुअली ATCP जो है एक ऑब्जर्वर की तरह वर्क करता है TCP के लिए। वो चेक करता है कि TCP कनेक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा है और फिर उसके मोड को वो चेंज करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन इट्स मोड्स ऑफ ऑपरेशन, ATCP सेट्स TCP सेंडर इन वन ऑफ फॉलोइंग स्टेट ऑल्सो, नॉर्मल, कंजेस्टेड एंड परसिस्ट स्टेट। तो परसिस्ट स्टेट मीन व्हेन ATCP encounters three duplicate acknowledgement. तो जब भी वो three duplicate acknowledgement encounter करेगा, it does not forward third duplicate acknowledgement to TCP layer, but put TCP into persist state. And normal and congested state का हमने अभी discuss कर लिया है। So this is ATCP protocol that is used for ad hoc network. It is not extension or modification of TCP protocol, but it is a thin layer that exists between IP and TCP layers. And when TCP connection is established, ATCP enters the normal state. तो first state इसका normal state है, उसके बाद यहाँ से इन सारे state में वो move करता है, ठीक है? Thank you.